it a cricket match between India and Pakistan and heartbeats tend to rise. Former cricketer Jukinder Sharma has spoken about the recent India versus Pakistan cricket match which is about to take place. And he spoke about how the team India seems to be much stronger than Pakistan right now. He also spoke about the form of Kohli. And speaking about the form of Kohli, he also mentioned that whatever be the form in which Kohli is in, he is a big and classy player and can make a lot of difference in causing victory to a particular side. India is proud of Kohli and tends to rely on him a great deal for a good performance. And so are the people while watching him are excited to get a good deal out of a cricket match. देखिए एक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और सभी जो टीमें हैं अच्छे तरीके से तैयारी करके आई होंगी और जो टूर्नामेंट होगा बहुत अच्छा लगेगा और कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है और मेरे को भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की क्या क्या महत्व रहता है और इसमें पूरा इंडिया पूरा पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड रहता है इस मैच को देखने के लिए तो बड़ा अच्छा मैच रहेगा और इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रही है और टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर तरीके से पूरी परिपूर्ण है और अच्छा रहेगा इंडिया के लिए भी पूरा टूर्नामेंट भी अच्छा रहेगा और कल का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए उस वो तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है हमारा क्योंकि एक स्पेशल मैच रहता है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और अच्छा एक सभी स्पोर्ट्समैन तो अपना एक स्पोर्ट्समैनशिप से खेलते हैं लेकिन दोनों देशों की जो जनता है उनके लिए एक स्पेशल डे रहता है स्पेशल स्पेशल मैच देखने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या अपना जतन करते हैं टिकट लेने के लिए या इस तरीके से बड़ा एक्साइटमेंट रहता है इस मैच को जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और दूसरा मैं भी खेला हूँ और देखा भी है तो इंडिया टीम आज के दिन देखी जाए तो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है और वैसे तो क्रिकेट है क्रिकेट में हार जीत तो जब दो टीम खेलेंगी तो एक हारती भी है लेकिन आज के दिन जो मेरा मानना है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है और अच्छा प्रदर्शन करके मैच भी जीतेगी। ग्राउंड पे कुछ अलग दिखता है? हाँ देखा ये तो रहती है अलग से ग्राउंड में भी थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहती है और थोड़ी नोकझोंक भी रहती है लेकिन मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और स्पोर्ट्समैनशिप से ही हम लोगों को खेलना भी चाहिए। देखो बातें होती रहती है कुछ हंसी मजाक भी होते हैं कुछ कई बार तकरार भी हो जाती है तो मैं सबसे ये कहूँगा सब शांति बना के रखें और इस खेल का आनंद उठाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ ऑब्वियसली विराट का देखा पिछला थोड़ा समय जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जा रहा लेकिन परफॉर्मेंस तो एक टेम्परेरी है जो क्लास होती है वो तो परमानेंट रहती है तो ऐसा नहीं है विराट एक बहुत बड़ा प्लेयर है और किसी भी मैच में उसने कितने मैच इंडिया को जिताए हैं भारत को जिताए हैं और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो आने वाला टूर्नामेंट है क्योंकि मैंने उसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो देखी हैं अच्छी मेहनत भी कर रहा है फिटनेस पे भी कर रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहा है तो अच्छा टूर्नामेंट जाएगा क्योंकि ये इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड और इतना आप पीछे रिकॉर्ड भी देखिए टाइम सबका कई बार होता है कि बैड पैच आता है लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है विराट पे और उसकी बैटिंग पे वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और टीम को जिताएगा। दिस इज रीना थंकर रिपोर्टिंग फॉर इंडिया हेड गुरुग्राम।